हैप्पी रिपब्लिक। ब्रेकफास्ट आ चुका है। हाय गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आज है 26 जनवरी, तो आप सभी लोगों को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वीडियो तो थोड़ा लेट डलेगी, बट हम लोग क्योंकि आज वो है तो मैं आप लोगों को चीज़ की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जो मेरे ऑस्ट्रेलियन व्यूअर्स हैं उनको हैप्पी ऑस्ट्रेलियन डे। दोनों एक ही दिन होता है और यहाँ पे छुट्टी होती है, तो हम लोग रिपब्लिक डे भी मना लेते हैं साथ के साथ, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया डे मना लेते हैं। तो अभी ब्रेकफास्ट आ चुके हैं और कल का जो बचा हुआ था वो जस्ट मैंने अभी रखा हुआ है, स्कीपिंग वाले लेके जाएंगे, अभी रख दिया है बाहर। बहुत ही खुशी हो रही है हमारी परेड देखकर, जैसे कि हर साल होती है। हमें जो बचपन से हमेशा से परेड का बहुत वेट होता था कि जैसी परेड आई सब लोग हम लोग बैठ के देखते थे। मैंने झंडे के दो कलर पहने, एक कलर आरू ने पहना है, ब्लू कलर आरू मैंने, आपने कौन सा पहना? ग्रे है क्या झंडे में? दिल से देसी होना चाहिए, कपड़ों से अटायर से देसी या विदेशी कोई नहीं होता। ओके, तो अभी हम लोग कुछ ऐसे कुछ है तो नहीं, मैंने कपड़े बस ऐसे सोचा कि जो मेरे पास व्हाइट और ग्रीन था मैंने पहन लिया। और अभी मैं हम लोगों ने जो केक ऑर्डर किया था कल स्पेशली इसी के लिए ऑर्डर किया था, तो अभी हम केक कटिंग करेंगे। आरो केक कटिंग करेगा? फ्रिज ये छोटा सा भर गया है हमारे सामानों से ऑलरेडी। केक कटिंग करेगा आरो। अच्छा, सबको बोलो हैप्पी रिपब्लिक डे। हैप्पी नानू। हैप्पी रिपब्लिक। क्या है बेटा ये? चॉकलेट केक? चॉकलेट केक। ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है। आज रिपब्लिक डे का कुछ ज्यादा ही समझ में आ रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऐसे बंद है, मतलब ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है यहाँ पे, पर एक आज़ादी होती है ना वो तो छीनी गई है काइंड ऑफ। सो या हमारे रिपब्लिक राइट्स, हमारे राइट्स चले गए। चलो कटो काटो अरु, आप पकड़ो, वेरी गुड, ऐसे पकड़ो अच्छे से। Happy Republic Day to India. 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 और मेरे सारे एक्चुअली सबसे पहले मेरे सारे इंडिया के भाई बहनों को मेरी तरफ से खुशी मनाओ रिपब्लिक डे की। जय हिंद मेरे प्यारे भारतवासियों। जय हिंद। बेटे हाथ से किया मैंने। जय हिंद। जय हिंद। वंदे मातरम। वंदे मातरम।
वंदे मातरम। काटा जा रहा है केक, मैंने कपड़े चेंज कर लिए, आरू के साथ वाइट कपड़े पहनना इज नॉट सो सेफ। खाएंगी, बहुत ही ज्यादा यम्मी की गया। ये केक फिनिश कर दिया आरू ने। ओए जी बोलो जय हिंद। हाँ ऐसे बोलो जय हिंद। टानी खाना है फ्रेंड्स। शाम हो चुकी है और आरू भाई सब सो गए हैं थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर उसे सोने नहीं देंगे, बहुत गलत टाइम सो रहा है। और यहाँ पे हमारे होम शेफ, आई एम द एस्प्रेसो मशीन फॉर द डे। अभी हम लोग बैठ के थोड़ी देर शांति है, नहीं तो जब तक आरू उठा रहता है हम लोग बस भागा दौड़ी रहती है आरू के पीछे। अभी हम लोग बैठ के आराम से यहाँ पे कॉफ़ी पियेंगे नज़ारे के साथ। एक्चुअली ये नज़ारा बहुत अच्छा है, पता नहीं कैमरे में इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर जब जैसे हम लोग यहाँ बैठ के देखते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं कैमरे में देख रही हूँ तो उतना मतलब अफेक्ट नहीं आ रहा है, बट हमें जब यहाँ बैल्कनी में बैठ के देखते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। दूर दूर तक पानी दिख रहा है, समुद्र दिख रहा है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं तो कल काफ़ी देर बैठी थी यहाँ जब आरुष हो गया था। कॉफ़ी काफ़ी अच्छी बन गई है, इंस्टाग्राम के लिए शूट हो रहा है। तब तक नॉक हुआ है, मुझे लग रहा है डिनर आ गया। 5 बजे यहाँ पे डिनर आ जाता है एक्चुअली। लेट मी वेयर मास्क। सो हियर इज द डिनर, ऑलरेडी आ चुका। आज तो 3 वेज आया पापड़म के साथ, आज इंडियन फूड मिला है। ये अपने रिपब्लिक डे पे क्या चाहिए और, है ना। वहाँ पे कॉफ़ी की ज़ोरदार तैयारियाँ चल रही हैं, उसके साथ स्नैक्स का इंतजाम कर देती हूँ, दैट इज़ क्रोसॉन हम लोग खाने वाले हैं उसके साथ। ओ वाओ सही बनाया ये तो आपने। अभी मैं दूध गर्म करके ले आती हूँ एंड आई गेट द क्रोसॉन रेडी, और फिर हम लोग आराम से बैठ के, दिस इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू टाइप्स थिंग, हम लोग कॉफ़ी पियेंगे। ये रही हमारी कॉफ़ी, स्नैक्स, और मैंने ले रहे हैं इंस्टाग्राम स्टोरीज। तो इंस्टाग्राम स्टोरीज हमारी करंटली एकदम जाते हैं इंस्टाग्राम पे, क्योंकि ये व्लॉग तो शायद लेट डलता है क्योंकि और भी व्लॉग्स हैं, व्लॉग्स में कभी लेट हो जाता है, पर इंस्टाग्राम पे साथ के साथ हमारी स्टोरीज जाती रहती है। तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर मुझे फॉलो करना एकदम करंटली देखने के लिए कि मैं क्या कर रही हूँ। लग्जीरियस लाइफ है ये, अगर आप 2 साल के बच्चे के पेरेंट्स हैं तो आप ये समझ सकते होंगे बहुत अच्छे से, कि जो अगर आपको शांति में बैठ के कॉफ़ी या चाय भी मिल जाए तो वो एक बहुत बड़ी लग्जरी होती है जो आज हमें मिल रही है। काफ़ी टाइम बाद है ना। यस एब्सोल्युटली। आरू को उठाने की कोशिशें चल रही हैं। आरू उठ जा, उठ जा आरी बेटा, शाम हो गई है। 2-3 दिन से वो लोग उसका जेट लैग चल रहा है, और भाई साहब 2:30 बजे उठ जाते हैं और सुबह 6 बजे सोते हैं। खाने के लिए और नीचे गिर देना तुम, दिखाते दिखाते। नहीं नहीं भाई, तू अंदर ले जा इसको भी और अपने कैमरे को भी। चलो पकड़ इसको, पकड़ रखा है, पकड़ रखा है। चलो बंदर चलो। मेरे को अजीब अजीब क्या हो रहा है यहां पे, तो इसको। ओ माय गॉड, इतने सारे बैलून्स। कितने सारे बैलून बाप रे। 1 2 3 वर्क फ्रॉम होम चल रहा है यहाँ पे। डिनर टाइम, हमें आप लोगों को, हमने एक्चुअली खुद भी नहीं खोला है, 5 बज गए हैं, और अभी क्योंकि डिनर आ गया था 5 बजे ही, हम लोगों ने उसमें से पापड़ वापड़ तो खा लिए थे, बट हम लोगों ने खुद ही अभी तक, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 9:30 हो रहे हैं, इस टाइम पे हम लोग डिनर करते हैं और दोबारा गर्म करना पड़ता है सारा डिनर, क्योंकि 5:30 बजे या 5 बजे कौन खाता है।
डिनर। बच्चे के साथ आ रहे हैं तो वो लोग आप कोई भी जो रिक्वेस्ट करेंगे ना वो ज़रूर उसको कंसीडर करते हैं। बच्चे की स्पेशली ध्यान रखते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे। ये तो आज है रिपब्लिक डे और खाना आया है राजमा चावल। और साथ में पापड़ आए थे जो हमने ऑलरेडी खा लिया, और आइसक्रीम आई थी वो भी हम लोगों ने अभी फ्रिज में रखी, बाद में खाएंगे क्योंकि बारिश हो रही है बाहर। मैंने आरू को लेके गए ताकि मैं खाना गर्म कर सकूँ बारिश दिखाने के लिए। अब बस जल्दी से गर्म करके खा लेते हैं क्योंकि अभी भूख लग गई है। खाना गर्म हो चुका है। आरू परेशान है, उसको तो सबसे पहले चाहिए गर्म गर्म खाना एकदम। नहीं निकला दो मम्मा को, नहीं।